हद है, बस हिंदुस्तान की है पर मैसेज फारसी में लिखा है, कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और यूपी के बुलंदशहर में तीन बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम दे बाइक पर सवार हो फरार हो गए। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर हत्यारों का सुराग लगा शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। फिलहाल वारदात के बाद से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। ये तस्वीर और गोली लगा शव बुलंदशहर के नरोरा में रहने वाले सर्राफा व्यापारी रोहताश वर्मा का है, जिसकी कुछ देर पहले दुकान में घुसकर लूटपाट करने आए तीन लुटेरों ने लूट का विरोध करने पर गोलियां मारकर हत्या कर दी। दरअसल रोहताश वर्मा की नरोरा थाने से कुछ ही दूरी पर बाजार में सर्राफे की दुकान है। रविवार की रात में लगभग 8 बजे रोहताश वर्मा दुकान बंद करने ही वाले थे कि तीन लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और फिर दुकान में रखे जेवरात लूटने का प्रयास किया। बताया जाता है कि सर्राफा व्यापारी रोहताश वर्मा ने अपनी लाइसेंस से पिस्टल निकाल लूट का विरोध किया तो लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मार दी और तमंचे लहराते हुए फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुन मौके पर पहुंचे लोगों ने लहूलुहान सर्राफा व्यापारी को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई। सर्राफा व्यापारी की हत्या से व्यापारियों में रोष व्याप्त है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामला ये 8 बजे करीब बदमाश आए, बताए तीन बदमाश को बताया जा रहा है, बेटा भी साथ बैठा। मैंने बेटे से बात करी तो फायर की बाजी मैं घर पे था तो हमारे बेटे का फोन, बेटा भाग के पहुंचा गया और रोहतास की गोली मार दी। तो मैं इधर भागे, जब तक हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हमने करी हॉस्पिटल में, फिर थाने पर 100 नंबर पर कॉल कर रहे, 100 नंबर लगा नहीं। फिर मैं थाने में जाके इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया, साहब जिस तरह बदमाशों ने गोली मार दी और चौराहे की तरफ गए मोटरसाइकिल से। तो ये हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल पर डॉक्टर से बात करी हमने, डॉक्टर ने कही भाई इनमें कुछ भी नहीं है। फिर भी वरुण हॉस्पिटल ले गए, बेटा बता रहा था तीन बदमाश थे, तीन बदमाश जो जैसे ही अंदर पहुंचे तो उन्होंने कुछ कहा तो जो है लूट के हिसाब से बता रहा था बेटा, और निकाल के वो रिवॉल्वर, जैसे ही उसने रिवॉल्वर अभी निकालनी चाहिए इतनी देर में उन्होंने बदमाशों ने गोली चार्ज कर दी, गोली मार के हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हाँ, यहाँ तो आज भीड़ भाड़ का दिन था, यहाँ बाजार भी लगता है, लगती है लेट आवर तक, इसलिए दुकान खोली थी कि पेंट के दिन ग्राहक आते रहते हैं, नहीं 8 बजे मोस्टली दुकान बंद कर देते हैं। देखिए 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यापारी को गोली मारी गई है, इस पे अभी हम लोग मौके पे आए हैं, जांच की है, जिसमें अभी प्राइमा फेसिया जो जांच में पाया गया है रोहताश वर्मा सनौ स्वर्गीय दशरथ लाल वर्मा, जिनकी उम्र 42 साल है, वे अपने बच्चे कृष्ण के साथ दुकान पर थे। जनरली 8 बजे के आसपास ही लोग दुकान बंद कर देते हैं, तो 8 पे दुकान जो बंद करके जाने वाले होंगे उससे 1 या 2 मिनट पहले जिसने जो चश्मदीद गवाह है जिन्होंने देखा है कि तीन लोग पैदल आए, उन्होंने जैसे देखा कि दुकान खुली है या शायद क्या मामला था कुछ ऐसे अभी कंफर्म किया नहीं जा सकता क्योंकि अभी कृष्ण से बात नहीं हुई है जो दुकान के अंदर मौजूद था, परंतु जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया कि तीन लोग पैदल आए, दुकान खुली थी, अंदर चले गए, क्या बात हुई वो अभी बताना मुश्किल है, परंतु 2 फायर की आवाज़ आई। पर यह भी बताया जा रहा है कि जो रोहताश है उनके द्वारा भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल इस्तेमाल की गई है, जो फायर हुआ नहीं है वो फॉरेंसिक जब टीम आएगी तो वो कंफर्म किया जाएगा। इसमें और किसी तरह की लूट का होना अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो अभी आगे जो अग्रिम जांच होगी इसमें आपको इस तथ्य से भी अवगत कराया जाएगा। कैमरे लगे हुए शायद दुकान में, क्या इनको खंगाला गया? अभी खंगाला नहीं गया है, फील्ड यूनिट का इंतजार हो रहा है, जैसे फील्ड यूनिट आ जाएगी तत्काल जो है खुलवा कर हर एक चीज जो है जितनी भी और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सब में चेकिंग की जाएगी और जो भी पाया गया जाएगा वो सब तथ्य आपके सामने। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर लुटेरों का शीघ्र पता लगाने का दावा किया है। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।